हाय गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस यार, आज की जो वीडियो बनने जा रही है ना, कसम से बिल्कुल कमाल की वीडियो बनने जा रही है यार। आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल पुराने से कंप्यूटर को बिल्कुल नए तरीके से जगमग करने जा रहे हैं। तो मैं तो आ गया लेकिन कंप्यूटर मेरा नहीं आया, तो ये रहा हमारा कंप्यूटर। तो गाइस यार, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि ये ज़ायन Z400 ये सिस्टम है, और ये मेरे ख्याल से 2010 में या इसी तरह से कुछ ये आया था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी कमाल का काम करता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स के काम में मेरे लिए काफ़ी एक कमाल की चीज़ है। तो हम इसके केस को RGB केस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो चलें अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे खोलने के लिए इस क्लिप को ओपन करेंगे और इसे बैक की तरफ स्लाइड करेंगे, और ये इसका फ्रंट वाला ढक्कन खुल जाएगा, और इसके बाद हम इसके ये वाले क्लिप को इस तरह अपनी तरफ ऊपर उठाएंगे और इसे इस तरह से बाहर करेंगे, और ये वाला इसका कवर भी ओपन हो जाएगा। और अभी हम इसके सारे सेटअप को पेचकस की मदद से ओपन कर लेते हैं। अभी हम इसके सारे कवर्स वगैरह सब कुछ उतार लेंगे। गाइस यार, हम अभी अंदर आ चुके हैं क्योंकि बाहर लग गई थी इस वक्त बारिश, और अभी हम जो काम करेंगे अभी हम इधर अंदर ही बैठ के करेंगे। तो अभी हम इसको पेंट कर देंगे। ये मैंने मुकम्मल ओपन कर लिया था, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये मैंने कवर कर लिया ताकि ये इसके अंदर वाले ग्रीन वाले पार्ट को पेंट ना हो। तो अभी हम इसे बाहर से कर देते हैं ब्लैक कलर का पेंट। इस वक्त हमने इस पीसी का बॉक्स मुकम्मल तौर पे पेंट कर लिया है, जो कि मैं अपने कैमरामैन अब्दुल अहद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये मुकम्मल तौर पे इसका पेंट का रिव्यू दिखा दें। बताऊं कि इसको हमने ये ग्रीन वाले पार्ट को हमने इसकी मदद से टक किया था, और अभी देखते हैं कि ये देखें कितने मज़े से ये पेंट आया है। तो चलें गाइस यार, अभी हम इसके में लगाएंगे इस RGB लाइट्स की फिटिंग। तो इस पावर सप्लाई को हमने वैसे भी खोली हुई थी, और इसी में ही हम इसके कनेक्शंस भी कर लेते हैं। तो चलें आप। तो गाइस यार, अभी हम इस वायर को लगा देंगे इसकी डायरेक्ट 220 वोल्ट्स की, जहाँ पे सप्लाई आ रही थी।
तो मैंने इन कनेक्शंस को कुछ इस तरह से इसके साथ लगा दिया है। अभी हम सबसे पहले इसके ऊपर एक कागज़ की मदद से रैप करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम टेप यूज़ करें तो हीट की वजह से टेप पिघल जाती है। यार हमारी अब ये पावर सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ये हमने कामयाबी से इसके कनेक्शंस लगा लिए हैं। अभी हम इसे रिमोट की मदद से इसके कलर चेंज करके भी चेक कर लेंगे। ये आप देखते हैं कि ये बिल्कुल कामयाबी से ये सारा काम कर रहा है। और अभी हम इस पावर सप्लाई को कर देंगे इस पीसी के अंदर फिक्स। Thank you.
गाइस यार कल की डेट में हम इसे कुछ इतना कुछ हम इसे बना पाए थे क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गए थे हम और रात हो चुकी थी वीडियो बनाते बनाते। और आज की इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज की वीडियो में जो काम रह गया है वो इसका फ्रंट के आगे ये फैन लगाना रहता है और पैनल वगैरह जोड़ना और ये साइड में इसका ग्लास लगाना रह गया था। तो अभी हम इसका ये फ्रंट में इस जगह पे हम और कॉलिक शीट लगा देंगे यहाँ पे। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे फैन को फिट और इसका हम बिल्कुल सेंटर निकालने के लिए हम इस तरह करेंगे यहाँ से और यहाँ से लाइन खींचेंगे और दरमियान वाली तरफ से इसमें हम सुराख कर देंगे। तो अभी हम इस पेंसिल की मदद से इधर खींच देते हैं लाइन लाइन। आप अगर इसकी जगह स्केल का यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा लेकिन मेरे पास इस वक्त स्केल अवेलेबल नहीं था तो मैंने फिर इसी का ये पीस बेहतर समझा। तो ये रहा इसका बिल्कुल सेंटर। तो इसमें से हम अभी कर देंगे ड्रिल की मदद से सुराख। और ये आप अगर जहां से अल्कोहलिक शीट लेंगे वहीं से भी आप सुराख करवा के ला सकते हैं। अगर ना हो तो ये कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपको करके दे देगा क्योंकि पे जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो उनमें इन कटर्स का यूज होता है। मैंने तो अपने सारे टूल्स रखे हुए हैं तो इस वजह से मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए नीचे हम रख के इसे अभी सुराख करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट वाले पैनल के साथ हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे फिक्स बैठ रहा है और इसे थोड़ी बहुत हम सिलिकॉन लगाते हैं इसे तो गाइस यार सिलिकॉन कुछ इस तरीके से डाल दिए कि ये फ्रंट वाली साइड इतना ज्यादा बाहर ना आए ताकि ये बुरी लगेगी। तो फ्रंट वाली साइड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतना काफी है और इसे हम अभी लगा देंगे दोबारा अपने पीसी के अंदर। इसका कनेक्शन इसके इस तरह के कनेक्टर्स होते हैं और इनके साथ हम इसका कनेक्शन भी कर देंगे। अभी हम इसको कर देते हैं मुकम्मल तौर पे पैक। इसका सबसे पहले हम ये वायर वाला कवर भी लगा देंगे और हमने इस चीज़ की एहतियात करनी है क्योंकि यहाँ से ही इसका रिमोट का कंट्रोलर है और रिमोट इसी की मदद से ही काम करेगा। इसे हमें थोड़ा सा बाहर रखना होगा ताकि ये सामने शीशे से नज़र आए। ये हो गया है अभी अच्छे से पैक। अभी इसकी जो वायर ज़्यादा बिखरी हुई वायर्स थी पावर सप्लाई की वो अभी नज़र नहीं आ रही। और इसके बाद हम रख देंगे ग्लास। और ग्लास रखने से पहले मैंने एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको नहीं बता पाया ये मैंने इसके साथ छोटे छोटे
ये स्क्रूज लगा दिए थे रात को, क्योंकि इनके साथ मैंने लगाई हुई थी सिलिकॉन जो अभी इस वक्त खुश्क हो चुकी है। सिलिकॉन इस वक्त सिलिकॉन हम इसे अपनी जेन्युइन हालत में भी करना चाहें तो ये इजीली हो सकता है। अगर आपके पास ड्रिल ना हो तो आप इस तरह का स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे यूज़ करने के लिए आपको किसी भी ड्रिल वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा पेचकस की मदद से आप इसे, या स्क्रू ड्राइवर जिसे हम बोलते हैं, उसी की मदद से ही आप इसे आसानी से इसमें से सुराख कर सकते हैं। तो अभी हम लगा देंगे ये और कॉलेज शीट का पीस। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। तो और अभी हम इसको एक्टिव करके आपको इसकी लाइट्स वगैरह भी दिखा देते हैं। ये रही इसकी साइड वाली लाइट्स जो कि हम इजीली रिमोट से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कैसी लगी मेरी आपको आज की ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी काफ़ी सारे मैंने पिक्चर्स वगैरह तो देखी थी लेकिन बनाने का तरीका, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका नहीं आता था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स जिनमें आप थोड़ी बहुत भूल चूक कर सकते हैं ये आपको मुकम्मल क्लियर करके दिखा दूँ। अगर आपको पसंद आई मेरी ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।